क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने घटना के 24 घंटे बाद धर दबोचा। आरोपियों में दो नाबालिग का भी समावेश बताया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद अर्शद उर्फ अर्शद साजिद शेख यासीन बड़ा ताजबाग निवासी है। आरोपियों से 1,97,526 रुपए का माल जब्त किया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लकड़गंज इलाके में आरोपी मोहम्मद अर्शद उर्फ अर्शद ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर विविध कंपनियों के मोबाइल सहित करीब 1,97,000 रुपए का माल चुरा कर ले गए थे। लकड़गंज थाने में मोबाइल शॉपी में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले की लकड़गंज पुलिस और अपराध शाखा पुलिस की यूनिट 3 संयुक्त जांच कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर यूनिट 3 ने आरोपी अर्शद और उसके दो नाबालिग साथियों को धर दबोचा। नमस्कार, मैं PSI मधु काटोगे, यूनिट क्रमांक 3। दिनांक 15/10/23 रोजी पोस्टल लकड़गंज हद्दीतील टेलिफोन एक्सचेंज चौक येथील मोबाइल शॉपी एक खोलण्यात आली होती। त्यामध्ये काल आम्हाला आमच्या गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती प्राप्त झाली की मोबाइल चोरीचा दुकान खोलणारे आरोपी हे मोठा ताजबाग येथील असून ते सद्यस्थितीत पिवळी शाळा मोठा ताजबाग येथे बसलेले आहेत। त्यावरून आम्ही त्यांना स्टाफसह ताब्यात घेऊन सखोल विचारपूस केली असता तो गुन्हा त्यांनी केल्याचे सांगितले। त्यामध्ये आम्ही एकूण 1,97,000 रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे। यामध्ये एकूण 3 आरोपी असून त्यामध्ये त्यात 2 विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे आणि त्यामध्ये 1 आरोपीचं नाव मोहम्मद अर्शद उर्फ साजिद शेख वय 18 वर्ष राहणार यासीन प्लॉट मोठा ताजबाग। हे चोरी करणाऱ्याचे सवयीचेच आहे, मोडस वगैरे असं काही नाही, त्यांनी फक्त ते चोरी करतात। त्यांच्याकडून आता विविध कंपनीचे 15 मोबाईल 2 रिस्ट वॉच आणि गुन्ह्यात वापरलेली गाडी असा एकूण 1,97,000 रुपयांचा मुद्देकाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे। आरोपियों से चोरी का माल जब्त किया गया है। आरोपियों को लकड़गंज पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश BCN न्यूज़ नागपुर।